हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जीएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 4.2 नॉवल सेक्शन इंग्लिश 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखे तो हो सकता है कि ये दो मार्क्स आपके पॉकेट में जाएंगे, बिकॉज दो मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। 4.2 और दैट इज द 4.4 दोनों में आपका अरेंज एक क्वेश्चन आता है जो आपको कुछ ऊपर नीचे करके दिया रहेगा, उसमें से आपको क्या करना रहेगा, सीक्वेंस में लगाना है। ये लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुका है तो हो सकता है कि इस बार एग्जाम में आए, सर गारंटीड आएगा। देखो, अगर आप ये सोच के पढ़ोगे आएगा तो ही आएगा, अगर आप बोलोगे नहीं आएगा तो नहीं आएगा, हो सकता है आएगा। अगर आपने अच्छे से याद की तो हो सकता है कि ब्रीफ आंसर में भी क्या कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। 4.2 टू सर विद लव, जितने भी नॉवल सेक्शन है डियर फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आपको ना सारे नॉवल, चार ही नॉवल है, चारों नॉवल का मैंने क्या किया हूँ, शॉर्ट में समरी अपलोड किया हूँ। अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों के लिए डेफिनेटली फायदा होने वाला है, तो नहीं देखे तो आप लोग जरूर देखना। इस वीडियो में मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन विद आंसर के साथ में क्या करने वाला हूँ, कवर करने वाला हूँ। डेट इज आपके जो एक्सरसाइज होता है, जो नॉवल सेक्शन का जो पार्ट है वो खत्म होने के बाद में आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग जो स्टार्ट होता है, जैसे इसमें एक्सरसाइज नहीं लिखा है, इसमें लिखा है ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज अ प्लॉट, क्या है प्लॉट, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अरेंज द इंसिडेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस एज पर द अकरेंस इन द एक्सट्रैक्ट। मतलब जो आपने नॉवल पढ़े टू लव विद द सर, इसको पढ़ने के बाद में सीक्वेंस में आपको क्या करना है, ये सेंटेंस, ये पूरे क्वेश्चन को सेंटेंस, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देहम वॉज आउटेड बाय द मिसप्लेस, ये ना कुछ ऊपर नीचे दिया, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का 5 में दिया, ऐसा दिया हुआ है। अब आपको इसको सीक्वेंस में लगाना, पहले मैं क्या करूँगा सारा पढ़ूंगा, उसके बाद में उसके आगे लिख दूंगा पहले नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे क्या है, ठीक है। और पूरा ध्यान से सुनना, ऐसे दो ही टाइप के क्वेश्चन है पूरे बुक में आपके, 4.2 में है और 4.4 में, दोनों को हम लोग कवर करने वाले। किस्मत रही तो आपका आएगा, मैं नहीं बोल रहा गारंटीड आएगा, लेकिन किस्मत, सर आपने तो लिखे है वहाँ पे गारंटीड, देखो आगे तो अच्छी बात है, अगेन एंड अगेन वही बोल रहा हूँ, कुछ तो पढ़ो। और शॉर्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा, मुश्किल से 10 मिनट का अगर आप देते हो तो हो सकता है कि ब्रीफ में आप उसके बारे में रिलेटेड कुछ तो लिखोगे, ठीक है। पहला, देहनम वॉज आउटवेटेड बाय मिस फिलिप्स, द हेड ऑफ द स्कूल क्लोज प्रोसीडिंग, देहनम एसर्टेड दैट पीटी पीरियड वॉर वेस्ट टाइम, द स्लिप वेयर फोल्डेड इन द प्लेस इन हेड, फेयरमैन वॉज यूजुअल एज ए ट्रम्प कार्ड, देहनम कॉल्ड आउट नेम्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, स्टूडेंट काउंसिल वॉज हेल्ड एवरी ईयर ऑन November 15। अब आपको ना याद रखना है, अब जो मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ, अब एग्जाम में ये 6 नहीं आएंगे, एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ कितने आने वाले आपके, 4 आएंगे। कितने आएंगे सर, फिर से बोलना, कितने क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, सिर्फ 4 आएंगे, तो कुछ भी आएगा। तो आपको जैसा मैं बता रहा हूँ वो सीक्वेंस में याद करना है। पहला है आपका, ठीक है, फर्स्ट वन आपका स्टूडेंट काउंसिल है, ठीक है। क्या है पहला आपका, स्टूडेंट काउंसिल आपका पहला आला रहेगा, क्या रहेगा पहला, मतलब अगर ये क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो पहला आपका राइट आंसर क्या रहेगा, स्टूडेंट काउंसिल वॉज हेल्ड एवरी ईयर ऑन नवंबर, ये पहला है। देन देहनम, अब ये तुम्हारा सेकंड है, कौन सा, देहनम कॉल्ड आउट द नेम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। जब आप आंसर लिखोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, स्टूडेंट काउंसिल वाला लिखोगे पहला पॉइंट, सेकेंड में आप लोग क्या लिखोगे, देहनम कॉल्ड आउट, सिर्फ सीक्वेंस में लगाना, ऊपर नीचे दिया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा, पहले क्या हुआ था, स्टूडेंट काउंसिल हुआ था, देहनम कॉल्ड, उसके बाद में रिप्रेजेंटेटिव हुआ था, देन थर्ड आपका है फेयरमैन वॉज यूजुअल एज ए ट्रम्प कार्ड, और फोर्थ आपका हुआ था उसके बाद में स्लिप वेयर फोल्डेड, ठीक है, स्लिप वेयर फोल्डेड एंड प्लेस इन ए हैट। देन फिफ्थ हुआ है आपका, देहनम एसर्टेड दैट पीटी पीरियड वेयर वेस्ट ऑफ टाइम, देन आपका है क्वेश्चन, देहनम वॉज आउटविटेड, ये आपका सिक्स वाला है, ठीक है, और देहनम वॉज आउटविटेड बाय मिस फिलिप्स, और सेवेंथ में है आपका द हेड ऑफ स्कूल क्लोज। अब आप ना इसको अच्छे से याद करो, एग्जाम में हो सकता है इसमें से 4 कुछ भी देगा ऊपर नीचे करके, तो आपको पता रहना चाहिए कि भाई ये पहला था, ये सेकेंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, एग्जाम में आना चाहिए ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। ये हो गया आपका 4.2, कौन सा हो गया 4.2, आप किस में है 4.4 में भी है आपका, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ।
जो रिसेंटली अभी एग्जाम में आया था, ठीक है। 4.4 आपका है, द साइन ऑफ 4 क्या है वो भी मैं आपके साथ में कवर कर लेता हूं। द साइन ऑफ 4 क्या है, द साइन ऑफ 4। अब इसमें जो अभी रिसेंटली जो जुलाई का पेपर होता है उसमें आया, तो क्या सर फिर से आएगा? कुछ भी नहीं बोल सकते डियर फ्रेंड्स, आ गया तो क्या करोगे आप लोग, प्रैक्टिस करके जाने में क्या जा रहा आपका। ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन, ठीक है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया हो, ये दोनों तो नहीं आएगा, लेकिन इस बार एग्जाम में ये वाला आया क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन आया था? ये क्वेश्चन आया था, ये 5 दिया हुआ आपको, एग्जाम में 4 आए थे, ठीक है। पहला मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है जो भी आपके साथ में डिस्कस किया हो। अरेंज द सेंटेंस इन करेक्ट सिक्वेंस हैज पर द करेक्ट ऑकरेंस, मतलब जैसा एक्सट्रैक्ट में, जैसा पैसेज में आपको बताया। ये क्वेश्चन तो आपको पैसेज तो दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में, तो आपको यही से याद करके जाना है। पहला क्वेश्चन क्या है, फॉर एग्जाम्पल, होलमेस पुट अ रिवॉल्वर इन हिज पॉकेट, होलमेस गेव ए विनवुड बुक मार्टिरियम ऑफ मैन टू डॉक्टर वैटसन, मैरी रिसीव ए लार्ज एंड द लिस्ट्रेस प्रियल्स टू द पोस्ट, मैरी फादर वॉज एन ऑफिसर इन इंडियन रेजिमेंट, मैरी मोस्टन हैज वेल हैज ड्रेस यंग लेडी। अब इस तरह से 4 क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, अब इसका सही आंसर क्या है मैं बताता हूँ। तो करेक्ट जो सीक्वेंस है आपका, पहला है डेट इज द फर्स्ट वन इज, जो 5th वाला वो आपको यहाँ लिखना है पहले में, मैरी मॉर्सन वॉज, मतलब ये हो गया आपका ए, ये पहला आंसर है, ठीक है, सॉरी ये आपका पहला वाला आंसर है, ठीक है, मैरी वाला याद रहेगा। पहले आपको क्या लिखना है, मैरी मॉर्सन एज वेल एज अ ड्रेस यंग, पूरा डिटेल वीडियो बना है जरूर देखना, उसमें आपको एकदम और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकेंड है आपका, मैरी फादर वॉज एन ऑफिसर इंडियन रेजिमेंट, मतलब यहाँ पे अगर मुझे लिखना रहेगा तो ये लिखना रहेगा, डन चाहिए, तो यहाँ पे सीक्वेंस का नाम लिख रहा हूँ मैं ना, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 4th क्या आएगा, ठीक है। देन 3rd में है आपका, मैरी रिसीव अ लार्ज, 3rd का आंसर 3rd ही है, ठीक है, मैरी रिसीव अ लार्ज एंड द लिस्ट्रियस प्रियल्स थ्रू द पोस्ट, और 4th में है आपका, होलमेस गिव विंडोज बुक्स मैरी, तो यहाँ पर आपका ये है, ठीक है, 2nd वाला। देन होलमेस पुट, ये है आपका 5th वाला क्या है, तो यहाँ पे मुझे लिखना है 1, बस सिर्फ आपको सीक्वेंस में लिखना है, और आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं जो आप लोगों के साथ में अभी मैंने क्या किया हूँ शेयर किया हूँ। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये पूरा पीडीएफ तो आप लोगों के पास में होगा, अगर तो भी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है ऑलरेडी हम लोगों ने क्या की है अपलोड किए है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना जितना हो सके। सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।